हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहा। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो हमारा ये क्वेश्चन है इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, उसको हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें साफ साफ कहा गया है कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका हम द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे। इसके लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और जो लंबाई है भूखंड की वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे। तो अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना भूखंड की चौड़ाई जो है उसे हम x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमसे कहा गया है कि जो भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई अगर हमने x माना है तो लंबाई कितनी हो जाएगी। सबसे पहले इसका दुगना करेंगे, तो x का दुगना 2x हो जाएगा, इससे भी एक अधिक है हमसे कहा गया है। तो एक अधिक का मतलब क्या होता है कि इसमें हम एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगी लंबाई। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर हम लिख देंगे माना भूखंड की चौड़ाई x, तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, अभी मैंने आपको समझाया, ये हो जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि जो क्षेत्रफल है भूखंड का वो 528 मीटर स्क्वायर है, तो इसीलिए लिख लेते हैं यहां पर हम भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, जो भूखंड है हमारा वो कैसा है, आयताकार, यानी कि आयत के आकार का है, तो इसीलिए यहां पर भूखंड का क्षेत्रफल का मतलब है कि आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि भूखंड आयताकार है, तो इसीलिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हम इसकी जगह पर लिखेंगे इसके नीचे। तो आयत के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई बराबर में कितना है, 528। अब देखिए जो भूखंड है उसकी लंबाई 2x प्लस 1 है, तो इसीलिए लंबाई की जगह पे 2x प्लस 1 लिखेंगे, और गुणा में चौड़ाई देखिए x है, तो यहां पर गुणा में x हो जाएगा चौड़ाई, बराबर में 528। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट में है इसका ये x में गुणा होगा, यानी कि सबसे पहले 2x का x से गुणा होगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 का भी x में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x, और इस 528 को बराबर के इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 528 बराबर के इधर क्या बचा, 0। तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसको हमें आगे सॉल्व नहीं करना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसका भी अब हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर मानना पड़ता है, क्या मानेंगे, हमें कहा गया है कि जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनका गुणनफल 306 है, तो हमें नहीं पता कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, तो इसीलिए मान लेंगे, लिखेंगे माना इसमें दो पूर्णांक हैं, तो इसीलिए पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, पहले पूर्णांक को हम x मानेंगे, इसके बाद अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, देखिए हमसे कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है,
जैसे एक है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन, फिर चार, फिर पांच, तो ये क्या है, ये क्रमागत है, यानी कि एक के बाद अगला क्या है, दो, तो ये दोनों क्रमागत हैं, दो के बाद अगला है तीन, तो ये दो और तीन क्रमागत हैं, ठीक है। तो इसी तरह से पहला पूर्णांक अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए दो के बाद तीन जो है ये दोनों क्रमागत हैं, तो ये तीन जो है ये हमारा दो के बाद कैसे आया, दो में एक जोड़ने पर ये तीन आया है। तो इसी तरह से पहला अगर x है पूर्णांक तो दूसरा हमारा x प्लस एक हो जाएगा, यानी कि इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमसे कहा गया है कि गुणनफल 306 है, ठीक है, यानी कि अगर हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 306 आएगा। तो हमारा पहला है x और गुणा में दूसरा हमारा पूर्णांक है x प्लस एक, तो इस तरह से लिखेंगे और बराबर में 306। अब इसको सॉल्व करेंगे, x का सबसे पहले x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, और x का एक में गुणा होगा तो x आएगा, और इस 306 को इधर लाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। देखिए आगे हमें बोला है हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, हमें इसमें ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि हमें साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब चलिए थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कहा गया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें नहीं पता रोहन की वर्तमान आयु, तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे, तो लिखेंगे माना रोहन की आयु, तो इसको क्या मानेंगे हम, x मान लेते हैं। अब रोहन की आयु ये जो है ये वर्तमान आयु है, तो इसको हमने x माना है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, हमसे कहा गया है कि उसकी माँ जो है वो 26 वर्ष बड़ी है, तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे माना रोहन की आयु x, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, अगर रोहन की आयु x है, उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो इसीलिए x में 26 वर्ष जोड़ देंगे, तो ये हो गया रोहन की माँ की आयु, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी कि ये तो दोनों की वर्तमान आयु है, इनकी जो ये वर्तमान आयु है इसके 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद की दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी, ये हमसे बोला है। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, यानी कि रोहन की वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 3। जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान आयु आपकी 15 वर्ष है, 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, यानी कि आपने 15 में 3 जोड़ा, ऐसे ही रोहन की वर्तमान आयु x है, 3 वर्ष पश्चात 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ये x प्लस 26 में 3 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा, तो ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु है, तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा, यानी कि इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले ये जो पहले ब्रैकेट में दोनों हैं, इनका दूसरे ब्रैकेट में बारी बारी से इन दोनों से गुणा होगा, यानी x का पहले x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, फिर x का 29 में भी गुणा होगा तो 29x आएगा, ऐसे ही 3 का x में गुणा होगा तो 3x आएगा, और 3 का 29 में गुणा होगा तो 3 × 27 का 7 हासिल 2, 3 × 2 = 6 और 2 = 8, इतना आ रहा है हमारा, बराबर में क्या है 360। अब देखिए ये हमारा x स्क्वायर, ये 29x प्लस 3x, ये हो जाएगा 32x,
ये प्लस का 87, ये इधर आके माइनस 360 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा जीरो। अब इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 32x उतारा हमने, ये प्लस का 87 और ये माइनस का 360, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये बचेगा हमारा 10 में से 7 3, 15 में से 8 7 और यहां पर कितना बचा 2, यानी कि 273, 273 और बड़ा माइनस में है तो माइनस आएगा, बराबर जीरो। तो ये हमारा आ रहा है द्विघात समीकरण, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए लास्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए इसका हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, हमें जो है रेलगाड़ी की चाल नहीं पता। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल को क्या मानेंगे हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके अलावा हमें जो है दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर की दूरी जो है रेलगाड़ी समान चाल से तय करती है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि दूरी हमें कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। अब हम यहां पर लिखेंगे कि समय कितना लगेगा रेलगाड़ी को, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही है, उसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो इसमें कुछ ना कुछ समय तो लगेगा। यानी कि अगर किसी चीज को, मान लीजिए किसी कार को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ना, तो इसीलिए हम यहां पर अब समय लिखेंगे। समय इसको हम T1 कह देते हैं, T1 का नाम दे देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हमारा होता है चाल बराबर दूरी बटे में समय। ठीक है, ये चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, लेकिन हमें समय पता करना है, तो समय को इधर ले जाएंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी, ये इधर आके बटे में हो जाएगा चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो इसीलिए समय हमारा क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी 480 है तो ये हो जाएगा 480 बटे में चाल, चाल हमारा एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स, तो समय हमारा 480 बटे में एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब हमसे आगे बोला गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, यानी कि इसको समझिए ध्यान से, अगर रेलगाड़ी की चाल एक्स है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वो इतना समय लेगी, लेकिन अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो इतनी ही दूरी को तय करने में, यानी कि उसी दूरी को तय करने में रेलगाड़ी 3 घंटा अधिक लेती, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे कोई कार अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर तेज स्पीड में जा रही है और वहीं पर कोई दूसरी कार है जो कि पहली वाली कार से थोड़ा धीरे चल रही है तो उसको ज्यादा समय लगेगा यहां तक पहुंचने में। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी है हमारा कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया है तो इतनी ही दूरी को तय करने में उसको 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हमारा समय भी दूसरा होगा, तो इस समय को हम T2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए समय क्या होगा हमारा, अब तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, दूरी बट्टे चाल, दूरी तो हमारा सेम ही रहेगा 480, दूरी तो कम ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन इस बार चाल जो है हमारा बटे में चाल है, तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, इस बार चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है। ठीक है, पहले चाल क्या था, एक्स था, तो एक्स में से अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हमारा नया समय है, इसको यहां पर लिख देते हैं हम नया समय। ठीक है, नया समय यानी कि T2 इतना हमारा है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे करते हैं,
तो अब देखिए, हमें कहा गया है कि अगर चाल जो है रेलगाड़ी की वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 3 घंटा अधिक लगता। यानी कि अगर इस नए वाले समय में से इस पहले वाले समय को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्योंकि 3 घंटा अधिक लेने का मतलब क्या है कि पहले वाले समय से 3 घंटा अधिक लेगी अगर इतना चाल कम हुआ तो इसीलिए इसमें से नए वाले समय में से इसको हम घटाएंगे तो 3 आएगा हमारा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं यहां पर कि ये जो है 480/(x-8) एक्स माइनस आठ, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं इस पहले वाले समय को यानी 480/(x) को, तो बराबर में 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ये 3 घंटे ज्यादा ही तो ले रहा है, ये जो समय है ये इससे 3 घंटे ज्यादा है, हमें यहां पर कहा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखिए आगे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके बटे में एक्स माइनस आठ, इसके बटे में एक्स, तो इनका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो जब एक्स माइनस आठ और एक्स का एलसीएम लेंगे तो हमारा यही आएगा एक्स माइनस आठ गुणा में एक्स। अब क्या करते हैं, इस नीचे वाले से इसको भाग करते हैं, तो जब इससे इसमें भाग करेंगे ना तो इस x माइनस आठ से ये कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, तो इस x का इसमें गुणा कर देते हैं तो 480x आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ये जो x है इससे हम इसमें भाग करेंगे तो इस x से ये वाला x कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस आठ, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे यहां पर 480 और गुणा में ये वाला x माइनस आठ। ठीक है, बराबर में क्या है 3, तो ये हमने उतार दिया। अब आगे इसको करेंगे, सबसे पहले ये 480x उतरेगा माइनस 480 और x का पहले गुणा होगा तो 480x हो गया, फिर 480 और इस 8 का गुणा होगा, सबसे पहले ये माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 0 का 8 में करेंगे 0 आएगा, 8 अठे 64 का 4 हासिल 6, 4 अठे 32 और 6 38। नीचे देखिए, इसमें भी x का पहले x में गुणा होगा x स्क्वायर, फिर ये माइनस 8 का x में होगा तो ये हो जाएगा 8x, बराबर में क्या है 3। अब देखिए ये 480x ये प्लस में है और ये 480x माइनस में है, तो इसीलिए इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है यहां पर, 3840 बच रहा है खाली, तो यहां पर लिख देंगे 3840 बराबर में ये जो है ये हमारा बराबर के इधर जाएगा, इधर ये भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये 3 गुणा में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इसको उतारेंगे हम और इसे सॉल्व करेंगे, 3 का पहले एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस और 3 का 8x में होगा गुणा तो 3 अठे 24x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ये 3x स्क्वायर माइनस 24x इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा तो इसमें एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें से 3 कॉमन आएगा तो माइनस का 8x बचेगा। क्योंकि देखिए इनका गुणा करके देख लेंगे, 3 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे ये आएगा और 3 का -8x में करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इस 3 को इधर लेके जाएंगे तो हमारा ये भाग में हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं 3840, ये 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो गया, इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 3 से इसको भाग करेंगे, ये हमारा 3 एकम 3, 3 दूना 6 और ये 3 अठे 24 और ये 0, तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 1280 बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो इसको सबसे पहले उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, इस 1280 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1280 बचेगा और बराबर के इधर क्या बचा, अब बराबर के दूसरी साइड 0 बचा, तो ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।